नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक माधव, केमिस्ट्री लेक्चरर, स्वागत करता हूं आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, पिछले लेक्चरर पर हम बात कर रहे थे कि इंटरमीडिएट्स होते क्या है। इंटरमीडिएट्स के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि रासायनिक अभिक्रिया जब संपन्न होती है तो उत्पाद बनने से पहले बीच में एक प्रजाति का निर्माण होता है, और उसी प्रजाति को हमने कहा था मध्यवर्ती प्रजाति। ये हमने बात करी थी उस कंडीशन पर कि क्या था क्या नहीं था। मित्रों, आज की इस लेक्चर पर हम ये जानेंगे कि जितने भी प्रकार की मध्यवर्ती प्रजातियां हमने देखी थी, उन मध्यवर्ती प्रजातियों के बारे में सामान्य जानकारियां क्या क्या होंगी, उन मध्यवर्ती प्रजातियों से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेंगे, उनकी अभिक्रियाएं क्या होगी, उनकी संरचनाएं क्या होगी, और उनके स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे, ये आज के लेक्चरर पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 2, इंटरमीडिएट्स। मित्रों, हम सबसे पहले बात करेंगे कि कार्बन मुक्त मूलक क्या है। देखें, हमने कहा कि ये एथेन का एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें बंधित दोनों कार्बन परमाणुओं की विद्युत ऋणताएं क्या है, समान है। और जब बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणताएं समान है तो उच्च तापमान पर इसका समांश विखंडन होगा, यानी कि बंधित दोनों इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के पास और इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के पास चला जाएगा। तो कंडीशन क्या बनेगी कि इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मैथिल मुक्त मूलक। और मैथिल मुक्त मूलक में कार्बन के पास क्या उपस्थित रहेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। अब देखें, इसके बारे में कुछ जानकारियां लेते हैं कि इसका निर्माण कौन से विखंडन से हुआ है, समांश विखंडन के परिणाम स्वरूप। कौन सी प्रजाति है, उदासीन। क्या इसके ऊपर कोई आवेश उपस्थित है, क्या कोई आवेश उपस्थित नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो हमने इसको कौन सी प्रजाति कहा, यह उदासीन प्रजाति होती है। क्लियर। देखते हैं, मैथिल मुक्त मूलक है तो मैथिल में 3 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, तो प्रत्येक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 2 4 2 6 और एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन। तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। जिनमें से 2 2 4 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन तो कौन सी कंडीशन में है, बंधित कंडीशन में है, बॉन्डेड कंडीशन में है, और इलेक्ट्रॉन कौन सी कंडीशन में है, नॉन बॉन्डेड कंडीशन में है। तो टोटल 7 में से 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हैं और एक इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड है। क्लियर। चूंकि एक इलेक्ट्रॉन कौन से अवस्था में है, मुक्त अवस्था में है, अयुग्मित अवस्था में है, अतः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, n बराबर 1। और वे प्रजातियां जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो कौन सी प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, अनुचुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हुई बात। अब देखें, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। क्या बाह्यतम कोश पूर्ण पूरित है, क्या नहीं है, बाह्यतम कोश का अष्टक पूरा नहीं है, तो हम कहेंगे कि इसका अष्टक कैसा है, अपूर्ण है, यानी कि कार्बन मुक्त मूलक अष्टक अपूर्ण प्रजाति का उदाहरण है। और यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, न्यूनता है। और वे प्रजातियां जो इलेक्ट्रॉन न्यून होती है वो किसकी भांति व्यवहार करती है मित्रों, इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति व्यवहार करती है। और वो कैसा व्यवहार प्रदर्शित करने लगेगी, लुईस अम्ल के जैसा व्यवहार दर्शाने लगती है। क्लियर हुई बात। अब आ जाए कार्बन मुक्त मूलक की संरचना के बारे में, इनकी स्ट्रक्चर कैसी है। देखें मित्रों, कार्बन मुक्त मूलक का सबसे पहले संकरण कैलकुलेट करते हैं। संकरण के लिए हमारे पास क्या होता है, लोन पेयर की संख्या प्लस सिग्मा बॉन्ड की संख्या। तो देखते हैं कार्बन मुक्त मूलक में ये कंडीशन है। देखें आप, 1 2 और 3 कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। क्या इसके पास कोई लोन पेयर है, क्या नहीं है, तो लोन पेयर की संख्या तो कितनी है, 0, और सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है, 3। तो टोटल कितने हो गए, 3। और जब भी 3 होगा तो वहां संकरण कौन सा होगा, sp2 होगा। यानी कार्बन मुक्त मूलक में जो कार्बन होता है वो कौन सा संकरित होता है, sp2 संकरित होता है। क्लियर हुई बात।
अब देखें कि एक संकरण कौन सा है, sp2 है, और जब भी sp2 संकरण होता है तो स्वाभाविक सी बात है वहां पर ज्यामिति कौन सी होगी, या तो त्रिकोणीय होगी या त्रिभुजीय होगी, ट्राइंगुलर ज्योमेट्री वहां पर प्रेजेंट होती है। बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होता है, 120 डिग्री का पाया जाता है। क्लियर। अब मेन बात यह है कि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, वे मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता कहां पर है, तो ध्यान रखिएगा ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के असंकृत पी कक्षक में, और पी कक्षक कौन सा, 2pz वाला, तो असंकरित पी कक्षक में ये फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। क्लियर हुई बात। चूंकि एक ओड इलेक्ट्रॉन है इसलिए इनको ओड इलेक्ट्रॉन एटम भी कहा जाता है। क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा आप सामान्य जानकारियां कि कार्बन मुक्त मूलक का निर्माण कौन से विखंडन से होता है, समान से विखंडन से होता है। कौन सी प्रजाति है, उदासीन प्रजाति है। बाह्यतम कोष में टोटल कितने हैं, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 6 इलेक्ट्रॉन की नेचर कौन सी है, बॉन्डेड है, और 1 इलेक्ट्रॉन की नेचर कौन सी है, नॉन बॉन्डेड नेचर का होता है। क्लियर। प्रकृति कैसी है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 1, इसलिए प्रकृति कैसी हो जाएगी, अनुचुंबकीय प्रकृति हो जाती है। क्या अष्टक पूरा है क्या नहीं है, तो अष्टक अपूर्ण प्रजाति हम इसे कहेंगे। कैसा व्यवहार दर्शाएगी, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगी, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेह की भांति व्यवहार करेगी। नेचर कैसा हो जाएगा, लुईस अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। क्लियर। संरचना की बात करेंगे तो मित्रों 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन sp2 संकृत कक्षकों में अतिव्यापन होगा और 3 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे, पहला सिग्मा, दूसरा सिग्मा और तीसरा सिग्मा। तो 3 सिग्मा बॉन्ड के साथ एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा जो कहां पर उपस्थित होगा, असंकृत पी कक्षक में उपस्थित होता है। क्लियर बात। तो असंकृत पी कक्षक में पाया जाता है। क्लियर। तो ये था आपका कार्बन मुक्त मूलक। अब हम बात करें दूसरी कंडीशन की, कार्बोकैटायन की, कार्बोधनायन की। क्या होगा, देखिए कार्बन से सपोज करें कोई एक्स समूह जुड़ा हुआ है, एक्स परमाणु जुड़ा हुआ है जिसकी विद्युत ऋणता कार्बन से क्या है, ज्यादा है। और अगर कोई ऐसा समूह जिसकी विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा है तो वह बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। और अगर बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म इस एक्स की तरफ चले गए तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी होते ही कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और एक्स के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी तो इसके पास कौन सा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्लियर हुई बात। तो मेथिल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए हमने क्या नाम दे दिया, मेथिल कार्बो कैटायन। क्लियर। जरा देखें क्या बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म की समान साझेदारी है क्या, नहीं है। इसके पास जब बंद का विखंडन हुआ तो इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए, एक्स के पास। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था बंद का ऐसा विखंडन जिसमें साझेदारी का इलेक्ट्रॉन युग्म कोई एक परमाणु लेकर के चला जाता है, ऐसा विखंडन कौन सा कहलाता है, विसमांस विखंडन कहलाता है। क्लियर। तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन किससे होता है, विसमांस विखंडन के द्वारा। क्लियर है बात। कि इसके ऊपर आवेश उपस्थित हैं, पॉजिटिव चार्ज उपस्थित है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, आवेशित प्रजाति कहते हैं। क्लियर हुई। बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैलकुलेट करें, कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, पहला बॉन्डेड, दूसरा बॉन्डेड, तीसरा बॉन्डेड, 2, 2, 4 और 2, 6, तो बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है मित्रों, 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। क्लियर। और सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, बॉन्डेड हैं। यहां पर तो एक इलेक्ट्रॉन कौन सी अवस्था में था, मुक्त अवस्था में था, ये इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में था, यहां पर ऐसी कंडीशन नहीं है। ऑल बॉन्डेड आर, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड, सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, बंधित अवस्था में है। क्लियर। प्रकृति देखिए क्या कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है। ये भी बॉन्डेड है, ये भी बॉन्डेड है, ये भी बॉन्डेड है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है, इसलिए यहां प्रकृति कैसी हो जाएगी, प्रतिचुंबकीय। क्लियर।
जरा देखें बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। क्या कार्बोकैटायन का अष्टक पूरा है क्या? नहीं है, तो हम इसे भी क्या कहेंगे? अष्टक अपूर्ण प्रजाति। इसका भी अष्टक पूरा नहीं है, और जब अष्टक पूरा नहीं होता तो वो किसकी भांति व्यवहार करता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति। वो कैसा व्यवहार दर्शाता है? लुईस अम्ल के जैसा व्यवहार दर्शाने लगता है। क्लियर? संरचना की बात करें तो हम क्या कहेंगे कि कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, सिग्मा बॉन्ड से बंधित, sp2 संकृत कक्षकों में अतिव्यापन हुआ, sp2 संकृत कक्षकों में अतिव्यापन से 3 सिग्मा बंध का निर्माण हो जाता है और एक वैकेंट p ऑर्बिटल उपस्थित रहता है, रिक्त p कक्षक पाया जाता है। क्लियर हो गई बात? और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। यहां पर भी संकरण देखें तो जरा मैं बताएं कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड हैं। क्या कोई लोन पेयर उपस्थित है क्या? नहीं है, तो लोन पेयर 0, 3 सिग्मा बॉन्ड, टोटल करेंगे कितना? 3। दिन 3 के रेफरेंस में कौन सा संकरण होगा? sp2। तो कार्बोकेटायन में कार्बन का संकरण भी कौन सा होता है? sp2 होता है। और स्वाभाविक सी बात है sp2 संकरण है तो ज्यामिति कौन सी होगी? त्रिकोणीय या त्रिभुजीय ज्यामिति हो जाएगी। बंध कोण कितने डिग्री का? 120 डिग्री का यहां पर होगा। तो ध्यान रखिएगा यहां पर तो जो बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है उसमें कौन सा विखंडन हुआ है? समांश विखंडन से कौन सी प्रजाति बनी है? मुक्त मूलक। क्लियर? यहां पर ऐसी कंडीशन नहीं है, यहां पर बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म एक परमाणु अपनी ओर लेकर के चला गया है, तो यहां बंध का कौन सा विखंडन हुआ है? विसमांश विखंडन। और विसमांश विखंडन से किसका निर्माण हुआ है? कार्बोकैटायन का। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा नंबर फर्स्ट मध्यवर्ती प्रजाति है कार्बन मुक्त मूलक, और नंबर सेकंड है कार्बोकैटायन। यहां से कई सारे प्रश्न आपसे नीट IIT JEE BHU ICR JET जैसे एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं कि कार्बोकैटायन की प्रकृति कैसी होती है? प्रतिचुंबकीय होती है। कार्बोकैटायन में कार्बन का संकरण कौन सा होता है? sp2 होता है। कौन से विखंडन से निर्माण होता है? विसमांश विखंडन से इसका निर्माण होता है। क्लियर हो गई बात? आप यहां का स्क्रीनशॉट लेकर के रखें। ठीक है, तो चले नंबर थर्ड की बात हम करें कि थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या होती है। तो देखते हैं नंबर थर्ड पर लेंगे हम कार्ब एनायन, कार्ब ऋणायन की बात करेंगे। देखते हैं कि कंडीशन नंबर थर्ड पर क्या है। थर्ड कंडीशन कार्ब एनायन, कार्ब ऋणायन। क्लियर? और कार्ब ऋणायन के केस पर हम देखें कि सपोज करें ये मेथिल है और इससे कोई समूह जुड़ा हुआ है वाई समूह। यहां शर्त क्या होगी कि जो कार्बन की विद्युत ऋणता है वो ज्यादा होगी किससे? जुड़े हुए वाई समूह से। और अगर कार्बन की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो फिर कंडीशन क्या होगी? ये जो बंधित इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन अपनी ओर क्या कर लेगा? आकर्षित कर लेगा। तो अगर कार्बन ने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया तो फिर दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन की अधिकता को कौन से चार्ज से दर्शाएंगे? नेगेटिव से। y के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहा तो y के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। कमी को कौन से चार्ज से बताएंगे? पॉजिटिव चार्ज से बताएंगे। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसे ही हम क्या कहते हैं? मेथिल कार्ब एनायन। क्लियर? तो हमारे पास बन गया। क्लियर? तो जरा देखे क्या यहाँ पर जो बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है क्या दोनों परमाणुओं के पास समान रूप से गए क्या? नहीं, किसी एक परमाणु ने बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर क्या किया है? आकर्षित किया है। और अगर बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक परमाणु की ओर ही जा रहा है तो फिर ऐसा विखंडन कौन सा कहलाता है? विसमांश विखंडन। यानी कि कार्ब एनायन का निर्माण भी कौन से विखंडन के द्वारा होता है? विसमांश विखंडन के द्वारा। क्लियर हुई बात? सेम कंडीशन यहां थी, यहां पर भी सेम कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन,
इसके ऊपर कौन सा चार्ज उपस्थित है? नेगेटिव चार्ज है, आवेश उपस्थित है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि यह कौन सी प्रजाति होती है? आवेशित प्रजाति है। क्लियर हुई बात? नंबर थर्ड पॉइंट की बात करें कि देखें ये मेथिल है, ये कंडीशन आपके पास है हाइड्रोजन 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 और चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। तो देखें दो दो चार दो छह और नेगेटिव में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो। तो हम कहेंगे कि यहां पर जो बाह्यतम कोष है, बाह्यतम कोष में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था हो रही है? आठ इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था हो रही है, जिनमें से देखें दो दो चार और दो छह बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? छह हैं। और नॉन बॉन्डेड कितने हैं? दो हैं। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? दो। और बॉन्डेड कितने? सिग्मा सिग्मा और सिग्मा, दो दो चार दो छह। तो बंधित इलेक्ट्रॉन तो कितने हो गए? छह। और अबंधित इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं? दो हो जाते हैं। तो बाह्यतम कोष में आठ इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था हो गई, इसलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पर क्या लिख देंगे कि कार्ब ऋणायन में अष्टक कैसा होता है? पूर्ण होता है। अष्टक पूर्ण होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई बात? अष्टक पूर्ण है, और अगर अष्टक पूर्ण है तो इसको क्या इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता है? क्या नहीं है। तो फिर ये किसकी भांति व्यवहार करेगा? नाभिक स्नेही की भांति, या फिर हम क्या लिख देंगे, ये किसकी भांति व्यवहार करेगा? लुईस सार की भांति व्यवहार करता है। क्लियर हो गई बात? तो कार्ब ऋणायन के पास बाह्यतम कोष पूरा है, अष्टक पूर्ण है, इसलिए इसका व्यवहार कैसा हो जाएगा? नाभिक स्नेही की भांति इसका व्यवहार हो जाता है। क्लियर हो गई बात? अब नेक्स्ट पॉइंट पर देखें, ये भी बॉन्डेड, ये भी बॉन्डेड, ये भी बॉन्डेड, और ये भी युग्म के रूप में, पैर के रूप में है। क्या कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है? क्या नहीं है, ये पैर्ड इलेक्ट्रॉन है, युग्मित है। और अगर यहां पर हम कहें तो यहां n इक्वल टू ये भी कितना है? जीरो है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? जीरो हैं। तो यहां पर इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? प्रति चुंबकीय। स्टार डाल लेना। कार्ब ऋणायन की प्रकृति कैसी होती है? प्रति चुंबकीय होती है। क्लियर हो गई बात? अब देखें इसकी स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो चलिए देखते हैं कि कार्ब ऋणायन में स्ट्रक्चर कैसा है, संकरण कैसा है, वो सारी बातें भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा हमारा स्ट्रक्चर। क्लियर? कार्बन के पास कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो देखें क्या कंडीशन है, ये कार्बन है, ये हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, ऐसे लिख सकते हैं नेगेटिव चार्ज को। ये हमने कहा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया? लोन पेयर हो गया, दो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज के रूप में। क्लियर बात? ये सिग्मा सिग्मा और सिग्मा। तो जरा देखें मित्रों इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, ये सिचुएशन बन जाती है हमारे पास। क्लियर? तो देखें अगर हम यहां संकरण को देखें, तो संकरण की बात करें तो लोन पेयर प्लस सिग्मा, कितना लोन पेयर है? एक लोन पेयर है। कितने सिग्मा है? तीन सिग्मा है, तो टोटल कितने हो गए? चार। तो चार का संकरण कौन सा हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। तो कार्ब ऋणायन में जो कार्बन होता है वो कौन सा संकृत होता है? sp3 संकृत होता है। क्लियर हो गई बात? यह ध्यान रखिएगा आपकी sp3 संकृत की कंडीशन पाई जाती है। क्लियर? दूसरी कंडीशन हम यहां पर बात करें तो यहां पर जो ज्यामिति होगी, ज्यामिति जरा देखें, संकरण तो कौन सा है? sp3 है, लेकिन लोन पेयर की संख्या कितनी है? एक लोन पेयर है। और आप जानते हैं जब संकरण sp3 हो और एक लोन पेयर हो तो यहां ज्यामिति कौन सी होती है? पिरेमिडिये, पिरेमिडिये ज्यामिति हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? ध्यान रखिएगा।
और बंद कोण की अगर हम बात करें तो जो बंद कोण होगा वो नॉट इक्वल टू 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर? किसकी प्रेजेंस के कारण? लोन पेयर की प्रेजेंस के कारण। और ये कौन से? वी एक्सपर्ट के अनुसार। संयोजकता कोष का जो सिद्धांत है उसके अनुसार यहाँ बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट से विचलित हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर भी इसका निर्माण कौन से विखंडन से हो रहा है? विसमांश विखंडन के द्वारा इसका निर्माण होता है। आई कौन सी प्रजाति है? आवेशित प्रजाति है। बाह्यतम कोष में 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 इलेक्ट्रॉन है, जिनमें से बॉन्डेड कितने हैं? 2, 2, 4 और 2, 6 इलेक्ट्रॉन बंधित अवस्था में है और 2 इलेक्ट्रॉन अबंधित अवस्था में उपस्थित हैं। क्लियर बात? अब देखें अष्टक कैसा है? पूर्ण होता है, ये भी हमने देखा है। ये किसके जैसा व्यवहार करेगा? नाभिक्स नहीं या लुईस सार की भांति व्यवहार करता है। यहाँ पर क्या कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है। ये भी युग्म, ये भी युग्म, ये भी युग्म और ये भी युग्मित अवस्था में है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। तो ये कैसा व्यवहार दर्शाएगा? प्रतिचुंबकीय जैसा व्यवहार प्रदर्शित करेगा। क्लियर? स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो ये एक लोन पेयर उपस्थित है और 3 सिग्मा बॉन्डेड की कंडीशन पाई जाती है, तो ये भी किसके जैसा व्यवहार देखता है? पिरामिड। ये हमारे पास है। क्लियर? तो ये पिरामिड ये ज्यामिति शो करेगा। संकरण कौन सा हो जाएगा? sp3। एक लोन पेयर है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, टोटल 4, 4 का मतलब संकरण कौन सा होगा? sp3 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ के लिए भी आप इसका एक सामान्य जानकारी का स्क्रीनशॉट लेकर के रखें। कार्बन मुक्त मूलक, कार्बोकैटायन और कार्बरिनायन सामान्य बातें थी, थ्योरेटिकल थी। अब इससे रिलेटेड हमने जो कंसेप्ट समझा है इसी का उपयोग करते हुए हम तीनों से संबंधित कार्बन मुक्त मूलक, कार्बोकैटायन और कार्बेनायन नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आएगा उसमें इन तीनों से संबंधित समस्त प्रकार के क्वेश्चंस की हम बात करने वाले हैं, जितनी भी कैटेगरी बन सकती है न्यूमेरिकल्स में। क्लियर? उन सभी न्यूमेरिकल्स को लेकर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और सभी प्रकार के प्रश्न आपको बड़े आसान तरीके से ट्रिक्स के माध्यम से और कंसेप्चुलाइजेशन के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनमें आप 100% अपना दे सके। नो डाउट तीनों से संबंधित कई प्रश्न आपके पास बनते हैं, किसका स्थायित्व ज्यादा होगा, किसका कम होगा, तीनों के स्थायित्व को तुलना करके भी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो ध्यान रखिएगा आज के कंसेप्ट को आप समझते हुए चलें कि कौन सा कारक स्थायित्व को बढ़ा रहा है, कौन सा कारक स्थायित्व को कम कर रहा है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें केवल न्यूमेरिकल्स की बात की जाएगी तीनों से संबंधित। तो आशा करता हूं आपको इस प्रकार की सारी बातें समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।